वेलकम टू इजी लर्निंग सॉल्यूशन। आज हम सीखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दूसरा टॉपिक, उसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना हमारे पास है ए, उसके बाद सी, इसके आगे एफ, इसके आगे जे, और इसके आगे में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ए में टू लेटर ऐड करने से मिल जाएगा सी, टू लेटर बी सी ऐड करने से मिल जाएगा सी, और इसके आगे सी के बाद एफ, तो सी डी ई एफ, डी ई एफ थ्री लेटर ऐड करने से मिल जाता है F, उसके आगे J, तो F G H I J फोर लेटर ऐड करने से मिल जाता है J, और इसके आगे हमें फाइंड आउट कर रहा है। तो आप सीरीज में देख रहे हैं, सबसे पहले प्लस टू, इसके बाद प्लस थ्री, इसके बाद हमें फोर लेटर ऐड किया, तो अब हमें क्या करना है, फाइव लेटर ऐड करना है जे के एल एम एन ओ, तो फाइव लेटर ऐड करने से हमें आंसर मिलता है ओ। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, सबसे पहले दिया गया है आर, उसके बाद यू, उसके बाद एक्स, उसके बाद ए, उसके बाद डी, तो इसमें आपको क्या करना है, आर एस टी यू, एस टी यू, अब देख रहे हैं थ्री लेटर ऐड करने से मिलता है यू, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर थ्री लेटर ऐड करना है, उसके बाद यू, यू में थ्री लेटर ऐड करने से वी डबल यू एक्स, थ्री लेटर ऐड करने से मिलता है एक्स, और इसके आगे x में थ्री लेटर ऐड करने से मिलता है a, x y z और a, तो प्लस थ्री लेटर ऐड करने से मिलता है a। उसके बाद आगे आता है d, तो a में थ्री लेटर ऐड करने से b c d, थ्री लेटर ऐड करने से मिलता है d, तो अब हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सीरीज में हम देख रहे हैं प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, तो आंसर फाइंड आउट करने क्या करना पड़ेगा, प्लस थ्री, तो डी में आप प्लस थ्री लेटर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा ई एफ और जी, और उसके आगे का क्वेश्चन से टी, उसके बाद आर, आगे पी एन एल, और आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है, एल एम एन, इसमें टू लेटर आपको स्किप करना है, क्या करना है, टू लेटर स्किप करना है, और एन में टू लेटर स्किप करने से मिलता है पी एम ओ पी, और पी में टू लेटर स्किप करने से ई क्यू आर मिलता है आर, और आर में टू लेटर स्किप करने से मिलता है टी आर एस टी। तो आप सीरीज में देख रहे हैं, सबसे पहले माइनस टू, टू लेटर स्किप करने से पी, टू लेटर स्किप करने से आर, टू लेटर स्किप करने से टी, तो हमें आंसर फाइंड आउट करने में क्या करना है, टू लेटर स्किप करना है, टू लेटर स्किप करने से यहाँ क्या मिलेगा जे। तो अब हम थोड़े से डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले से है ए डी एच एम, और इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, और लास्ट में आता है जेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए से डी तक पहुंचने के लिए बी सी डी थ्री लेटर को ऐड करना है, उसके बाद डी में से एच एच डी ई एफ जी एच, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोर लेटर ऐड करना पड़ेगा,
तो एच आ जाएगा। इसके बाद एम एच आई जे के एल एम, तो यहाँ हमने फाइव लेटर ऐड करना पड़ेगा तो मिल जाएगा एम। तो आप सीरीज में देख रहे हैं, सबसे पहले थ्री लेटर ऐड करना है, इसके बाद फोर लेटर ऐड करना है, इसके बाद फाइव लेटर ऐड करना है, और अब हमें आंसर फाइंड आउट करने में करना पड़ेगा सिक्स लेटर ऐड करना पड़ेगा। तो एम में सिक्स लेटर ऐड करने से एम एन ओ पी क्यू आर एस मिलता है एस, और उसके आगे लास्ट में जेड दिया गया है, तो आप देख सकते हैं प्लस सिक्स, एम में सिक्स लेटर ऐड करने से एस मिलता है, और एस में सेवन लेटर ऐड करने से हमें मिल जाता है जेड। उसके जैसा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जेड यू क्यू, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद आता है लास्ट में ए। तो इसमें सबसे पहले यू में से जेड के तैयार है, फाइव लेटर स्किप करने से मिल जाता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फाइव लेटर स्किप करने से मिल जाता है जेड। और क्यू में से यू, क्यू में से यू कैसे मिलता है, क्यू आर एस टी यू, फोर लेटर स्किप करने से मिल जाता है क्यू। तो अब सीक्वेंस में सॉरी दिखाई दे रहा है सीरीज में माइनस फाइव माइनस फोर, तो माइनस थ्री, माइनस थ्री क्यू में से माइनस थ्री लेटर स्किप करने से मिलता है एन, और लास्ट में आता है एल। तो सीरीज में माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री, तो अब क्या आएगा माइनस टू। मित्रों सीक्वेंस में जब लेटर आपको मिलता है तब लेटर को क्या करना पड़ता है, एड प्लस करना पड़ता है, और रिवर्स प्रोसेस में जब हमें दिखाई देता है तो हमें माइनस लेटर को क्या करना पड़ता है माइनस। थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, जेड वाई एक्स इसके आगे आता है यू टी एस, इसके आगे आता है पी ओ एन। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एस टी यू में से थ्री लेटर स्किप करना है, यू वी डब्ल्यू एक्स, थ्री लेटर स्किप करने से मिलता है एक्स वाई जेड, और इसके आगे एन ओ पी क्यू आर एस, थ्री लेटर स्किप करने से मिलता है एस टी यू, और इसके आगे हमारा आता है आंसर। तो एन ओ पी में से अब सीरीज में दिख रहे हैं माइनस थ्री माइनस थ्री, तो आंसर फाइंड आउट करने में क्या करना पड़ेगा, थ्री लेटर स्किप करना पड़ेगा। तो एन ओ पी में से थ्री लेटर स्किप करने से हमें मिलता है के जे आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।